यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाएगा गुजरात चुनाव में नैया पार। सीएम फेस को लेकर केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा दिखाए गए केजरीवाल मान को काले झंडे, फिर गाय से टकराई वंदे भारत एक्सप्रेस और दिल्ली की रेड लाइट पर क्यों छिड़ा है संग्राम। देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए भारतवर्ष टॉप 9। चुनावी सरगर्मियों के बीच गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भूपेंद्र पटेल सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी के गठन पर मोहर लगाई है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के मुताबिक ये कमेटी राज्य में समान नागरिक संहिता की संभावनाएं तलाशेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव होते हैं बीजेपी ऐसे मुद्दों को हवा देती है। गुजरात के आदिवासी यूनिफॉर्म सिविल कोड को कबूल नहीं करेंगे। गुजरात में सीएम फेस को लेकर आम आदमी पार्टी कैंपेन चलाएगी। सूरत में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केजरीवाल और भगवंत मान ने सीएम फेस के लिए गुजरात की जनता से सुझाव मांगे। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी रायशुमारी से सीएम फेस घोषित करेगी। हम जनता से पूछ के तय करते हैं कि आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। गुजरात के नवसारी में अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान को काले झंडे दिखाए गए। इतना ही नहीं, लोगों ने इस दौरान मोदी मोदी के नारे भी लगाए। नवसारी में दोनों मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। गुजरात के वालसाड़ में वंदे मातरम एक्सप्रेस से एक गाय टकरा गई। इस हादसे में वंदे मातरम ट्रेन का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, तो एक बोगी भी ट्रेन से अलग हो गई। हालांकि घटना के थोड़ी देर बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। यूपी के मेरठ में 400 लोगों के धर्म परिवर्तन का मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले में यूपी पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इन पर कोरोना काल में खाने और रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। खरना प्रसाद ग्रहण के बाद छठ व्रतियों के 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है। कल छठ व्रती डूबते सूर्य को अर्घ देंगे। देश विदेश में धूमधाम से छठ मनाया जा रहा है। परसों उगते सूर्य को अर्घ के साथ होगा महापर्व का समापन। गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़ाने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत सॉलिड प्लान बनाया गया है, तो केंद्र सरकार ने यूपी बिहार और पश्चिम बंगाल के 6 इलाकों में डॉल्फिन सफारी समेत डॉल्फिन आधारित इको टूरिज्म कार्यक्रम भी शुरू किया है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान स्थगित होने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने LG कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। गोपाल राय ने कैंपेन रोकने के लिए उपराज्यपाल VK सक्सेना को जिम्मेदार ठहराया।